मैं पूजा सुहागन। मेरे से पूछा ना तो बिल्कुल चुप, सवाल नहीं। हेलो हेलो, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई मैंने बोला था कि आज बहुत जल्दी शुरुआत करूंगा, आज तो उल्टा ही हो गया। हमने जो भी प्लान किया था ना, सारा उसका बिल्कुल ही टैटा फेस हो गया। हमने जो भी प्लान किया था कि मुझे सुबह जल्दी जल्दी दिखाना है, वो मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को, क्योंकि हमारा आज फास्ट है, मेरा और मुस्कान दोनों का फास्ट है। तो मुझे उस फास्ट के बारे में कुछ चीजें दिखाने थी आपको। और जल्दी मैं तैयार होंगी, जैसा कि अंकित ने आपको बताया आज मेरा व्रत है। किस चीज़ का वैसे क्लैरिटी मेरे को, ये भी मुझे भी नहीं पता है कि मैंने क्यों व्रत रखा है आज, बट कोई इट्स अपेरेंटली सम ट्रेडिशन। तो इसीलिए ये जो मैंने व्रत रखा है इट्स लाइक अ छोटा करवा चौथ ओनली। तो आज हम ये व्रत रखेंगे और मैं थोड़ा मेकअप वेकअप करूंगी और पूजा करेंगे और पूजा के इंस्ट्रक्शंस देंगी मेरी मदर इन लॉ। तो ये हम सब हम लाइव देखेंगे आज इस व्लॉग में। आम काजू मिठाई ये लाना, ठीक है मैं लेके आता हूँ। चलो गाइस, ऑल्सो गाइस मैंने गलत शर्ट पहन ली है। मैंने ये शर्ट पहन तो ली है लेकिन भाई बहुत टाइट हो गया, मैं सच में बहुत मोटा हो रहा हूँ। आई नीड टू चेंज द शर्ट क्योंकि इसमें मैं बहुत देर टिक नहीं पाऊंगा, बटन वटन टूट जाएगा इसका। शर्ट चेंज हो चुकी है, नाउ आई एम वेयरिंग समथिंग मच मच मोर कम्फर्टेबल। अब चलते हैं बाजार, टाइम है कुछ फ्रूट्स और कुछ मिठाई लेने का। फटाफट धीरज के पास से आके कुछ एप्पल्स और केले ले आता हूँ। मैं घर आ गया हूँ और गेस व्हाट, मुस्सी भी तैयार हो गई है। लेट मी शो यू। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं आपको बता दूँ कि हमने सुबह सरगी में पराठे खाए थे, उसके बाद पानी पिया था और चाय पी थी, ठीक है। आज मेरी क्लास भी थी, मैंने क्लास भी ले लिया, अटेंड कर लिया है, उसके बाद काम भी कर लिया अपना थोड़ा बहुत जितना कर पाई मैं। अब मुझे भूख तो बिल्कुल नहीं लग रही, बट हाँ प्यास लग रही है। सो ये कलश में मोली बांध रही है और इस कलश में जो पानी डालना है, पानी डाल के इस मथनी से मथना है पानी को, इसलिए ये इस मथनी के लिए मैं दो तीन दिन से भाग रहा था, मुझे ये नहीं मिल रही थी। सो मम्मी ने बोला है कि मिट्टी लेनी है, मिट्टी लेके उसकी टिक्की बनानी है। मिट्टी की टिक्की? हाँ। फिर तल के खा जाएंगे। तो गाइस मेरे से तो आटा नहीं गुनता, तो मिट्टी तो कहाँ ही गुंदेगी। पहले मैंने मिट्टी बना दी, उसके बाद मिट्टी ज्यादा गीली होगी, मैं उसमें और मिट्टी मिला रहा हूँ। तो यहाँ पे अंकित पूजा की तैयारी करते हुए, जो कि मैंने करनी है। इसको देखो मैंने बना दिया, इसमें ये पांच डॉट बनाने थे मिट्टी के पेड़ पे, ये मैंने बना दिए। पूजा की थाली बन चुकी है, ये सारी मिठाइयाँ और सब कुछ मैंने डाल दिया है। ड्राई फ्रूट, फ्रूट्स और मिठाई है। हाँ। और साथ में मेरे पास कलश है जिसमें पानी है, जिसमें चाची तो मधानी ले गया करेंगे हम, है ना, देखा तो ना वो चाची तो मधानी ले गया। नहीं पता गाइस, मेरे को कुछ ही नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, इट्स ऑल न्यू फॉर मी। मेरे को बस अभी एक्साइटमेंट है खाना खाने की, और कुछ नहीं, बस मेरे को तैयार होने का एक्साइटमेंट था। मैं रेडी हो गई हूँ, मैं सुंदर लग रही हूँ, पर नेक्स्ट अब मेरा गोल सिर्फ ये है कि अब बस मुझे खाना मिल जाए जल्दी से। तो क्या मधानी हो गई, ये पूजा की थाली हो गई, ये सब कुछ है इसमें, ठीक है। सिंदूर का एक मिनट में लेके आते सिंदूर का दे। रन आगे मम्मी, ये रहा। हाँ, हाथ से ही लगाऊ, उंगली से ही लगाऊ ना, मैं लगा दूंगी, हो जाएगा, ठीक है, कर लिया। ये हमने माता बनाई है एक तरीके से, अच्छा वृद्ध माता, ओके। अब काजल लगा दूं? सीधा स्टिक से लगा दूं? लग नहीं रहा, उंगली गीली हो गई ना। इसको कलश में डाल दूं? अच्छा अभी मैं कलश में डाल, ठीक है, मैं कलश में डाल के मथने वाली थी। हाँ जी, अच्छा ठीक, मिट्टी के ऊपर डालना है ना। मैं पूजा सुहागन। तो कथा कथा बस इतनी थी, ये इतनी सी कथा थी, अच्छा। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा
अच्छा अच्छा मैं क्या बोली छोटा करके दो। अरे हैप्पी करवा चौथ बोला, हैप्पी छोटा करवा चौथ बोला। और मेरे को लगा कह रही छोटा करके तेरा मेरा काजल खराब हो गया 250 रुपए का मैनू। मैं दूजा लेके नहीं आई सी, मेरे को मेबेलिन टैटू चेक के लिए। विद्धि 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 चाकणी बदानी विद्धि विद्धि पूछे राज नु मैं पूजा सुहाग। ये भर के पी लेगी, ये वाला भर के पी लेगी। तब भर के नहीं पीऊंगा। और तू तो चाय बिल्कुल नहीं बनाएगा, दिन की पहली चाय नसीब हो रही है। हाँ? तू चाय नहीं बनाएगा क्यों? अरे भाई एक तो बीवी सुबह से भूखी, ना पानी पिया, दिन की पहली चाय है वो भी जहर। तो बना रही है? मैं ही बनाऊंगी। तू अपनी बना, मैं अपनी बनाऊंगी। अपनी क्यों बनाऊं मैं? मैं नहीं बना रही तेरी। मैं तेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही। तूने क्या किया है? छोले बना रहा है? हाँ? रात को क्या बना रहा है? छोले और चावल। बता ना क्या करना है, बोल रही है उबाले खा लो। किसका किसका क्या करना है? ये मिट्टी का। मम्मी ने बोला इसको छोले के साथ एक सीटी लगवानी है और रात को चावल में डाल के खाना है अचार के साथ। मेरे से पूछा है ना तो बिल्कुल चुप, सवाल नहीं। अपने याद है, वचन याद है, बीवी को सवाल नहीं करने दूंगा, जो बीवी ने कहा है वो ही होगा। अबे साले तो अब आपने मुझसे पूछा, मैं आपकी बातों का जवाब दे दिया। अब जाइए, आप सीटी लगवाइए छोले के साथ। चाहिए जाइए। और मेरी तो दाल मम्मी से बुकड है, मम्मी दाल भेजेगी मेरे लिए। तो आप खाइए मिट्टी वाले छोले, मैं खाऊंगी दाल मखनी। मेरे को बर्फी चाहिए। बर्फी चाहिए? हाँ ले आता हूँ। क्योंकि जब जब इंसान को भूख लग रही होती है ना तो उसको सब खाने का मन करता है। अभी मेरे दिमाग में बर्फी चल रही है, सेवियां चल रही है। जो जो बोलेगी मैं वो ले आऊंगा। मुझे नहीं लगता तू लाएगा। तू अब वैसा नहीं रहा जैसे। मैंने कब तेरे को कोई चीज के लिए मना कर दिया? छोले बनाए मेरे को, छोले, आई हेट छोले। तू नहीं तो बोले छोले खाने। मैं तुझे दाल मखनी बोली थी। दाल मखनी तूने बोला था हम उस दिन खाएंगे। तूने कहा था उस दिन भी दाल मखनी नहीं खाने। छोले नहीं बनाता? नहीं छोले खाने। खाने 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 तो फिर छोले खाने, चावल खाने, मोमोज पे खाने हैं। भाई मैं करवा चौथ का तो मैं सोच के मेरे को कुछ हो रहा है, क्योंकि चांद तारे तो फिर भी जल्दी निकल आते हैं पर चांद को तो आने में बहुत देर लगता है। करवा चौथ वाले दिन तो चिंदा मामा और ही ज्यादा परेशान करते हैं, लेट आते हैं 9:30 तक। गाइस पहले मैंने सोचा था कि ना मैं ना पूरा दिन मस्ती से सोते सोते निकाल दूंगी, पूजा के टाइम उठूंगी, पर मेरी तो सासू आ रही है। मेरी सासू आ रही है और मैं बिल्कुल नहीं सो सकती, मुझे उठना पड़ेगा 9:30 ही। मम्मी कितने बजे उठती है? 7:15 बजे। ठीक है, तो जब मम्मी 7:15 उठती है ना गाइस तो खुद को ही शर्म आ जाती है। मम्मी 7:15 उठी है तो 9:30 तो बहू को उठ ही जाना चाहिए शर्म के मारे। इस बार उठना पड़ेगा टाइम से और बिल्कुल बहू रानी की तरह। कुछ बार काम तो मम्मी नहीं कराएंगी बट प्रेजेंटेबल तो रहना पड़ेगा कम से कम। और गाइस मेरे को आज सुबह सरगी अंकित ने खिलाई थी, क्योंकि मम्मी ने अंकित को बोला था मम्मी ने अंकित को इंस्ट्रक्शन दी थी कि बहू रानी के लिए हमारी गोभी का फूल काट के रखना। तो अंकित रात को प्रिपरेशन करके सोया था। हमने वो व्लॉग नहीं किया क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हम करवा चौथ के टाइम पे आपको दिखाएंगे। मम्मी भी होंगी ना यहाँ पे, फिर तब दिखाएंगे। इमेजिन यू आर इन अ डेजर्ट, ओके, एंड यू आर वेरी थर्स्टी। आई डोंट हैव टू इमेजिन, मेरे को सच में बहुत प्यास लग रही है भाई। मैं क्यों ये सब कैरी कर रही हूँ अपने साथ? यू हैव टू बॉटल्स ऑफ वाटर। नहीं सुबह वन इज पी एंड वन इज पॉइजन। बट यू हैव टू बॉटल्स ऑफ वाटर। वाटर नहीं बोला उसने। बोला उसने तेरी पैर। आज उसको देखना ऋतिक को, वो दिल्ली गया हुआ है। कभी ये आदमी जिंदगी में, मैं इसको बोलूं ना दिल्ली जा रहा है मेरे लिए ये लेते हैं, कभी नहीं लाता। और कॉल करेगा आज कुत्ते ने मेरे को फोन किया, बोलता है मैं दिल्ली से आ रहा हूँ छोले भटूरे खाई। कैसी कहती रितु भैया आपको जूते खाने हैं क्या? रितु कहता क्यों क्या हो गया उसको, भटूरे तो खाने। कहती अरे दीदी का फास्ट है आज, आज ही खिलाने सबको छोले भटूरे। तना नना दो तना नना दो तना नना दो तना नना दो तान तेरे दान तेरे तेरे ना मेरे ढोलना चल 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 सुन बहुत जुलिका अभी रख तो खाला तेरे रख तो खाला। देख ली तूने मेरे को चाय नहीं बनानी थी, अब तेरे को बढ़िया चाय बनानी पड़ेगी। सबसे अच्छी वाली बनाइए। नहीं बनी बढ़िया तो पी तो मैं फिर भी लूंगा ही, सह लेंगे थोड़ा सा। मोमो खाएगी? पर मोमो यार खाली वाव के जमते हैं मेरे को। वाव से ले आता हूँ। वाव जाएगा लेने? हाँ।
इतना प्यार अपनी बीवी से? आप भी ना ये दो प्लेट ले आना लाल चटनी। वैसे तो दोनों शुरू हो गया, पूरा दिन तुम्हारी बातें सुन सुन के ना मेरा वैसे ही बड़ा दिमाग खराब होता है। खाने से ही थोड़ा मोटिवेशन आता है लाइफ में, अभी आज तो वो भी चला गया है। तो खाने की मोटिवेशन देते रहो। खरपचास वाले दिन तो तुम मुझसे बात ही मत करिए, दूर रहियो मेरे से, मुझे तो तेरे सिर पे ईटा आटा ना मार दूं मैं कोई। जिसको छोड़ने के लिए गया था उतने में मम्मी का कॉल आ गया कि तारा आ गया है, और मुझे भी अभी एक तारा दिख रहा है आसमान में। मैं मुस्कान के लिए मोमो पैक करा के सीधा घर जाऊंगा। बड़ी देर लगा दी मोमो वाले ने, और इतनी देर लग गई उस चक्कर में उसने मेरे को फ्री मेवो दे दिया एक छोटा सा। तारे भी तेरे से पहले आ गए। इतनी देर लग गई पता, उसने मोमो फ्री दिया, मोमो बोल रहा हूँ मेवो फ्री दिया। देर हो गई थी, मेरे को लगा भूख लगी थी, मैं जाके ले आऊंगा। मेरी पूजा की थाली हो गई है रेडी, और बस ये हम जला लेंगे, माचिस ले लेती हूँ ठीक है, और लोटा। बट तुझे पता है एक चीज दिखाती हूँ, जब मतलब छोड़ बोलती नहीं, सिर्फ दिखाती हूँ सीधा। तारे को अर्घ देके अपना व्रत खोलना है ना, आ जाओ। एक तारा निकला हुआ, आओ तो सही एक बारी। वो देखो कितने प्यारे हमारे चंदा मामा हैं, और जरा एक बार जरा आसमान में नजर मारो, जरा देखो कि तारा दीदी कहाँ है। दूसरी बालकनी में है, वहां से दिखेगी, क्योंकि एक ही तारा है, स्टार ऑफ डेविड, ध्रुव तारा बोलते हैं। अच्छा चल, वो आ रखा है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भी वही सोच रही थी कि वही देखना होगा है ना, तो इसलिए यहाँ नहीं दिखा। और देख ले आज चांद दिख रहा है पर तारे नहीं दिख रहे। आई एम नॉट श्योर हिंदी में ध्रुव तारा बोलते हैं, नॉर्थ स्टार जो होता है, जो हमेशा दिखाई देता है। ठीक है, आओ सेकंड बालकनी, बालकनी नंबर 2, कम इन, कम ऑन। कहाँ है जरा ध्रुव तारा आपका, दिख नहीं रहा मुझे। अरे रिमेम्बर अर्लियर इन द डे आई टोल्ड यू कि जब बीवी भूखी हो और वो परेशान हो रही हो तो उसका गुस्सा सिर्फ अपने पति पे निकलता है। बस अब तुम उस मोमेंट के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये है बालकनी नंबर 3, और मुझे तारा दीदी यहाँ भी नजर नहीं आ रही है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाहर जाके वो क्या है ये हमारे शाफ्ट है ना, नहीं वो जो लॉबी एरिया, हाँ। वही रह गया, क्योंकि मैं नीचे गया था ना, मुझे नीचे से दिख रहा है। चल ए वो रहा, दिख रहा है कहाँ तेरे को? वो देख वो रहा, बस मुझे ये कंफ्यूजन है कि वो कहीं एरोप्लेन की लाइटें तो नहीं हुई। मुझे लगा लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। रुक जा, देख, रुक, दिखा? हाँ नहीं बेबी, वो बहुत ज्यादा टिंगल करता है। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा। Are you sure? अरे दिख गया ये, दिख गया। But baby, what if it's a plane? इसे कैप्चर करना। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ तारा ही, तारा ही, तारा, प्लेन नहीं है। अब जल पिला दो। ओ सॉरी, अब मुझे तुम्हारे पैर छूने। अरे पागल नहीं, अरे करना पड़ता है। अरे ढंग से पकड़ना, गिरा देगा तू। नहीं नहीं मैं पकड़ा हुआ है। हो ही नहीं पाएगा, ये है ही नहीं किसी काम का। ऊपर कर दे, क्या कर रहा है मेरे मुंह में? ले ले ले, हे भगवान, तूने किसके लिए व्रत रखा है? शादी का पहला साल है, सब कहते हैं शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। अच्छा, तो सब कहते हैं 5-7 साल बाद देखना देखना, अभी तो बहुत व्रत रख रहा है ना, 5 जहाँ 2 बच्चे हो गए ना कुछ नहीं रखेगा, फिर उनको भी रख पाएंगे। बेटा हम नहीं खा रहे, तुम भी नहीं खाओगे। अच्छा लगा पानी, यम्मी है ना। दिखाऊंगी ये वाला, ये वाला और ये वाला। अच्छा, के लिए आप, सकती हूं, आप कॉटन वाले पहनना पसंद? पहन सकती हूं। चलिए जी हम जा रहे हैं अपनी सूट की फिटिंग कराने। सो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, मेरा करवा चौथ का सूट मैंने फाइनली सिलने दे दिया है, और मुझे कब मिलेगा? एंड मोमेंट पे, कितनी लेट हूँ मैं, मुझे मिलेगा लिटरली 31 तारीख को। अब वो 31 को आएगा
दिन में, और मेरे को उसकी मैचिंग एक्सेसरीज भी लेनी है। तो चलो वीकेंड में। वीकेंड में नहीं जा सकती ना मैं, वीकेंड में कब, संडे। हाँ संडे, संडे जा सकते, काफ़ी एंजॉय किया, क्योंकि मेरी फैमिली में हमने कभी पहले ऐसा कोई फास्ट नहीं रखा। इसको हम छोटा करवा चौथ बोल रहे हैं, छोटा करवा चौथ, इजीली समझ में यही आ रहा है कि ये छोटा करवा चौथ है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, होप करते हैं हमारे साथ साथ आपने भी एंजॉय किया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, बेल आइकन दबाना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।